अमरकंटक में प्रतिवर्ष नर्मदा जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में मकर वाहिनी सेना और महाकाल भक्त सेना दोनों मिलकर के चुनरी यात्रा निकालती हैं। प्रतिवर्ष चुनरी की लंबाई बढ़ाई जाती है और इस वर्ष यह जो चुनरी यात्रा है वह 1111 फीट लंबी है और जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जाने कितने वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले तो यात्रा कितने वर्षों से निकाली जा रही है? यह 10 वर्षों से ऊपर हो चुका है। कहाँ कहाँ के श्रद्धालु इसमें शामिल हुए? इसमें मुंबई है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, शहडोल, सीधी, अपने अन्यत्र कई जगह से, खासकर छत्तीसगढ़ से जय महाकाल भक्त सेना भी वहाँ काफ़ी मात्रा में यानी बसों के द्वारा यहाँ उपस्थित होते हैं और अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। आप लोग प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में ही निकालते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा तो ये कहना है कि इन्हें माता को यहाँ सिर्फ कलश यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन किसी भी प्रकार से चुनरी नहीं निकाली जा रही थी, जिसके कारण यह माता को एक वस्त्र स्वरूप उनको देने के लिए ये प्रेरणा बनाई गई और जन जन से यही अपील है कि सब लोग अपना अपना सहयोग देकर और चुनरी पे अपना भागीदारी अपना। बहुत लंबी सफ़र से आते हैं और माता का बुलावा है, माँ अपने आप बुला लेती, कोई टेंशन किसी को निकला नहीं कि बुलाने से ही माँ आशीर्वाद से पहुँच जाते हैं सब। इतनी लंबी चुनरी यात्रा में पैदल आप लोग इतना लंबा भ्रमण करते हैं, कैसा कुछ लगता है? कोई कुछ नहीं लगता, उसमें माता का आशीर्वाद है, माता के चलते कुछ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे पहुँच जाते हैं माता के दरबार में। कितनी की संख्या में श्रद्धालु? कम से कम में 200-250 के आसपास। और भी यहाँ पर श्रद्धालु जन हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप जी, ये चुनरी यात्रा में आप लोग शामिल होते हैं, कैसा कुछ लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं पहली बार यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो गई, मैया जी ने मुझे बुलाया, महाराज जी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद हूँ। और मकर वाहिनी में प्रदेश अध्यक्ष में मेरा ये हो गया नियुक्ति कर दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। महाराष्ट्र पुणे से मैं आई हूँ, उषा करंबेलकर नाम है मेरा। धन्यवाद। हम प्रोग्राम करते हैं, हम सिंगर हैं, हम पुणे में बहुत से शोज करते हैं। धन्यवाद। विशाल चुनरी यात्रा में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जय भवानी जय महाकाल सभी भक्तवासियों को और हमारे देशवासियों को। आज माँ नर्मदा जी की जन्म जयंती है, प्रकट उत्सव है, इसके बारे में मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी, ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और जिस प्रकार की हमारी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनरी यात्रा निकाली गई है मकर वाहिनी सेना व महाकाल भक्त सेना के द्वारा, और अब यह है हमारी जो चुनरी यात्रा है एक विशाल रूप ले चुकी है और आने वाले समय में और भी विकराल रूप लेगी। और इसी प्रकार से हमारे जो जन कल्याण और अपना धर्मार्थ के प्रति जो मार्ग है वो हम नहीं छोड़ेंगे और इसी प्रकार से हम माई की सेवा में लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, इसी के साथ मैं महाकाल भक्त सेना का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है और हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, सारे कार्यों को छोड़ करके अपने बच्चे, अपने घर परिवार सभी के साथ यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ विशाल चुनरी यात्रा 1111 फीट लंबी निकाली जा रही है। आज माँ नर्मदा जी का जो जयंती है, जन्मोत्सव, वो अमरकंटक में मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में चुनरी यात्रा निकाली गई है। धन्यवाद। नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अब बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम अमरकंटक में संपन्न होने लगे हैं और उसी परंपरा में एक ये चुनरी यात्रा का कार्यक्रम पिछले 12 वर्षों से निरंतर जो छोटे रूप में प्रारंभ हुआ था और भव्यतम रूप लेता जा रहा है और सब खूब आनंद कर रहे हैं और भंडारा हो रहा है, महाआरती हो रही है और सब बहुत आनंद है। महाराज जी भक्त श्रद्धालु के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ? और जो भी भक्त हैं, माँ नर्मदा का उद्घोषणा है, नर्मदा नर्मदा सर्व मनोरथान दादि वही कलऊ तो नर्मदा देवी कल्प वृक्षो जनार्दिया। माँ नर्मदा इस कलयुग में सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फलवती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सबका जो है आनंद हो, कल्याण हो, नर्मदे हर।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शांति कुटी आश्रम के महंत स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज थे और विगत 12 वर्षों से उन्होंने बताया कि मकर वाहिनी सेना यहाँ चुनरी यात्रा निकाल रही है और आश्रम की ओर से ही पूरा सहयोग यहाँ पर रहता है और देखने में आता है कि आश्रम से निकाली जाती है यात्रा पूरा दीनदयाल चौराहा भ्रमण करते हुए मंदिर पहुँचती और आश्रम में काफ़ी जो श्रद्धालु हैं उनको रुकने की व्यवस्था की जाती है। आपका दल आज अमरकंटक में सैलन नृत्य कर रहा है, कहाँ का दल है और क्या कहना चाहेंगे? ये जो है अपना गुंडवाना ग्राम खन्नाथ जी का यह जो है सैलन नृत्य है जी, जो कि हम सभी जो है धार्मिक आस्था और विश्वास लेकर जो है माँ नर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक में सभी जो है उसके जन्म उत्सव के इस कार्यक्रम में सभी मतलब श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में यह जो है सैल नृत्य के साथ में यहाँ पर जो है माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं। अमरकंटक में आज उत्सव मन रहा है नर्मदा जी का, तो क्या कैसा लग रहा है आप लोग? हमको जो है माँ से यही आशीर्वाद चाहिए कि भविष्य में जो है सभी को जो है सुख शांति और समृद्धि माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, यही आशा और उम्मीद हम माँ नर्मदा से कामना करते हैं। क्या शुभ नाम आप? मेरा नाम है हेमंत कुमार मरावी, एडवोकेट। जैसा आपने देखा हेमंत जी हमारे साथ थे, उनका दल आज यहाँ पर सैलन नृत्य करने आया है और अमरकंटक में ऐसे कई आयोजन जो आज हुए हैं, आज मंदिर में विशाल नगर भंडारा हुआ है उसको भी आपको दिखाएंगे और उसके साथ ही कई कार्यक्रम अमरकंटक में चल रहे हैं उनका उन सबको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।